हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड. स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू अबाउट सिंप्लीफाई. टुडे आई विल टीच यू अबाउट मल्टीप्लाई. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास. और एक बात बच्चों, अगर देखिए आज मैं जो डिजिट लेने वाली हूँ, वन, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, जो है हम जो है जो हमारा मल्टीप्लीकेंड है वो लेंगे, और मल्टीप्लाई जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड तक हम वो डिजिट लेंगे. ठीक है, अगर आपको वंस, टेंस, हंड्रेड तक सीखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा. ओके, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. सभी बच्चे जैसे कि जानते हैं, ये प्लेस जो है, ये जितने भी गिवन प्लेस होते हैं और जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो इन सभी को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है. अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक डिजिट तक तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जब डिजिट टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड वाली आ जाती है तब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो इसमें कंफ्यूजन वाली बच्चों कोई बात नहीं है. देखिए, सबसे पहले आप इसी डिजिट को करेंगे और सभी प्लेस तक करेंगे. जैसे कि मैंने आपको सारे प्लेस जो है बताए हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड तक हम सीखेंगे. तो पहले हम थ्री को किससे करेंगे? वंस प्लेस से. थ्री का टेबल आप सिक्स तक पढ़ेंगे. एंड बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी बच्चों को टेबल लर्न होनी चाहिए. ठीक है, इट्स वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर मल्टीप्लाई एंड डिविडेंड, एंड फॉर डिविडेंड. ओके, सो थ्री सिक्स जा एटीन. सभी बच्चों को पता है वंस, टेंस, सब पहला प्लेस हम वंस वाला लिखेंगे, एट. एंड जो कैरी है वो हम यहाँ. अब इसी नंबर को टेंस प्लेस से कीजिए. थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन. अब ये वन, थ्री जीरो जा जीरो. थ्री, कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो आता है, ये मैंने आपको प्लेस वैल्यू में भी समझाया था. अब जब थ्री को हमने मल्टीप्लाई बच्चों जीरो से किया तो जीरो आया. उसमें अगर हम जीरो प्लस वन करेंगे तो कोई भी नंबर अगर जीरो में ऐड होता है तो आंसर वन ही आता है. ठीक है, तो थ्री जीरो जा जीरो एंड थ्री वन. और अगर इसमें जो है जीरो में वन प्लस हुआ तो हमारे पास आया वन. अब थ्री फोर जा ट्वेल्व. ट्वेल्व का वन प्लेस लिखिए और टेंथ प्लेस को कैरी कीजिए. थ्री टू जै सिक्स प्लस सेवन. हमने पहला प्लेस जो है मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप फर्स्ट प्लेस वंस हो गया ना, तो वंस प्लेस के नीचे आप क्रॉस कर दीजिए या जीरो कर दीजिए, यानी इस प्लेस को हमने छोड़ देना है क्योंकि ये हमने कर लिया. इसका यही मतलब है बच्चों, अगर मेरे पास मान लीजिए फाइव चॉकलेट्स हैं, ओके, तो फाइव चॉकलेट्स में बच्चों अगर मैंने फाइव खा ली है, ठीक है, तो जब हमने वो ईट कर ली है तो वो दोबारा तो हमारे पास नहीं आएगी, तो इसीलिए अब हम अपनी नेक्स्ट चॉकलेट के पास जा रहे हैं. तो ये चॉकलेट्स हमने खा ली, इसलिए हमने इसको जीरो कर दिया या इसको क्रॉस कर दी थी. अभी हमारे पास ये टू चॉकलेट्स हैं. ठीक है, अब इसको भी हम है तो टेंस प्लेस, लेकिन स्टार्ट हमने वन से करना है मल्टीप्लाई करते हुए. टू सिक्स जा ट्वेल्व, वन कैरी. टू फाइव जा टेन. टेन प्लस वन जो है इलेवन, तो वन कैरी. तो यहाँ पर भी जीरो वाला मैंने इसीलिए लिया है. टू जीरो जा जीरो, और जीरो में वन प्लस करेंगे तो वन. ठीक है, अब टू को हमने तीन डिजिट तक कर लिया. अब हम थाउजेंड प्लेस पे टू फोर जा एट एंड टू टू जा फोर. हमेशा मल्टीप्लाई करते हुए बच्चे ध्यान दीजिए, डिजिट इस तरीके से लिखिए कि आपको जब ऐड करना होता है तब आप अच्छे से कर सकें. अब हमने वंस प्लेस भी ये चॉकलेट भी खा ली, ये भी खा ली, तो वंस प्लेस वाली भी खा ली एंड टेंथ प्लेस वाली भी. तो अब हम हंड्रेड प्लेस वाली चॉकलेट्स पे आए, तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हंड्रेड प्लेस से ही लिखना शुरू करेंगे. वंस हमारी फिनिश हो गई टेंथ, अब हंड्रेड प्लेस से करना शुरू कर रहे हैं, तो हंड्रेड प्लेस पे ही लिखना शुरू करेंगे. नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर. फिफ्टी फोर हम वंस प्लेस लिखेंगे एंड फाइव हमने क्या करना है? कैरी. आप साथ में लिख लीजिए और पुराने कैरीज आपको इरेज करते रहने ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अब थ्री, अब हम नाइन का फाइव कहाँ टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? फाइव तक. तो यहाँ तक पढ़ा. नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव. फोर्टी फाइव प्लस जो है फाइव कितना होता है? फिफ्टी. तो फिफ्टी का हमने यहाँ पे जीरो लिखना है और फाइव कैरी यहाँ पे. यहाँ पे नाइन जीरो जा जीरो. जीरो प्लस फाइव फाइव. ओके, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स. थर्टी सिक्स का सिक्स लिखेंगे और थ्री हमारे पास कैरी आ गया. फिर नाइन का टेबल टू तक एटीन. एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन. ये देखिए, मैंने ट्वेंटी वन एक ही जगह नहीं लिखा है. यहाँ हमारे डिजिट के नीचे सिक्स आया था, तो यहाँ पर अगर डिजिट नहीं है बच्चों कोई बात नहीं, आप फिर भी अलग अलग लिखेंगे, बिल्कुल साफ.
अब हमने वंस प्लेस भी कर दिया, टेंस भी कर दिया, हंड्रेड भी कर दिया। अब मैं थाउजेंड प्लेस, इसीलिए मैं इतनी डिजिट ले रही हूँ बच्चों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरीके से अगर फाइव डिजिट भी आ जाती है तो भी हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ये चॉकलेट भी फिनिश, टेंस की भी, हंड्रेड प्लेस वाली भी। थाउजेंड प्लेस वाली पे हम आए तो थाउजेंड को भी वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करके हम देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस से ही लिखना शुरू करेंगे। इस चॉकलेट की बारी तो इसी के प्लेस पे लिखना शुरू करेंगे। तो फोर सिक्स ट्वेंटी फोर, टू हमारे पास कैरी आया, यहाँ लिखते रहिए ताकि आप भूलेंगे नहीं और आप पुरानी कैरीज को ऐड नहीं करेंगे। तो फिर हम इसको आराम से, आप इसको पहले इससे करेंगे, आप कर दिया हमने, फोर लिख दिया, टू कैरी आया। अब फोर फाइव जा ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू, टू यहाँ पे कैरी। फिर फोर को हमने जीरो, फोर जीरो जा जीरो एंड फोर जीरो प्लस टू टू। अब फोर को फोर से करेंगे मल्टीप्लाई, फोर फोर जा सिक्सटीन, फिर वन कैरी, फोर टू जा एट एंड कैरी में कैरी आप जरूर ऐड करिए तो नाइन आएगा, नाइन हमारा इसके नीचे आया। देखिए सारे डिजिट लाइन्स है ना, देखिए ठीक है, ये देखिए, ये आपको ऐड करना बहुत इजी लगेगा बच्चों अगर आप लिखते हो बहुत ध्यान से लिखते हैं तो। ये देखिए ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे ऐड, क्योंकि हमने वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड सारे मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी सब चीजें मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको जो है साफ नीट एंड क्लीन दिखे हर चीज, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर ओके, अब इन्हें ऐड करना है। तो ये क्रॉस का मतलब है जीरो, आप जीरो भी लगा सकते हैं क्रॉस, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐड किया तो एट, सिक्स प्लस टू और जीरो जीरो या क्रॉस, तो यहाँ पर भी एट आया हमारे पास। फिर प्लस कीजिए फोर फाइव सिक्स, ये आया, तो हर डिजिट के नीचे लिखिएगा, देखिए फोर फाइव सिक्स सेवन एंड जीरो, तो सेवन आया यहाँ पे। फिर ये देखिए एट फाइव सिक्स सेवन, सेवन सेवन फोर्टीन, फोर्टीन और एट ट्वेंटी टू। फिर टू कैरी आया यहाँ पे, तो सिक्स फोर टेन ट्वेल्व एंड फोर्टीन, सिक्स प्लस वन सेवन और कैरी एट, नाइन प्लस टू इलेवन। ये देखिए बच्चों कितना इजीली हो गया, ठीक है। तो बॉक्सेस में भी आ गया, ऐड करने में भी इजी रहा और लिखना भी। तो कभी भी आपके पास बच्चों मल्टीप्लाई में वंस प्लेस आ जाए, टेंस आ जाए, हंड्रेड आ जाए, थाउजेंड आ जाए, आप बहुत इजी तरीके से इसी तरीके से कीजिए, पहले नंबर से कीजिए फिर उसे छोड़ दीजिए, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। अगर इसके बाद थाउजेंड वाले, टेन थाउजेंड का प्लेस होता बच्चों तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते, तब हमने जो प्लेस स्किप करते वो थाउजेंड तक होता और टेन थाउजेंड से लिखना शुरू करते। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है समझ आया होगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलेंगे हम एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।